चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा धाबाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कड्डी बताने जा रही हूँ, लेकिन हम कड्डी बनाएंगे फूल गोभी और मटर डालकर। उसके लिए जो मैंने सामान लिए हैं वो मैंने इस तरह से लिए हैं। ये मैंने एक प्याला छाछ लिया है, ये थोड़ी खट्टी है क्योंकि हम खटाई वाली कड्डी लेके ही बनाएंगे तो ज्यादा टेस्टी बनेगी। उसके लिए मैंने 3 चम्मच ये मैंने बेसन लिया है। एक फूल गोभी मैंने अच्छे से बॉईल कर ली है। आधी कटोरी मटर लिया है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने मिक्सी में पीस कर बारीक कर लिया है। एक प्याज, एक हरी मिर्ची, हरा धनिया, मिर्च जो मैंने 1 चम्मच ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच धनिया, आधी चम्मच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। ये मैंने राई ली है और मैंने हींग ली है। 1 चम्मच जीरा और ये कड़ी पत्ता। तो अब आइए, अब हम ये देसी स्टाइल में बनाएंगे जो मैंने फूल गोभी और मटर लेके मैं जब बनाऊंगी वो। अब आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने ये आधी कटोरी बेसन लिया है वो हम इसमें डाल के अच्छे से मिला लेंगे। मिला के इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने बेसन अच्छे से मिला लिया है और अब हम जो ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है इसमें हम ये सारे मसाले डाल के इसका भी एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है और अब आइए हम कड्डी बनाते हैं। मैंने ये कढ़ाई गर्म होने चढ़ा दी है और ये गर्म हो गई है तो इसमें हम तेल डालते हैं। ये मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। आप इसकी अपने हिसाब से कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। तेल को हम गर्म होने देंगे। 1-2 दाने जीरे के हम डाल के देख लेंगे कि तेल गर्म हो गया है क्या। तो ये गर्म हो गया है तो अब हम इसमें ये जीरा डाल देते हैं। जीरा लाल हो गया है तो अब हम इसमें ये हींग और ये राई डाल देते हैं। राई को अच्छे से हम चटकने देंगे। और राई अच्छे से चटक रही है तो ये हम कड़ी पत्ता डाल देते हैं। हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज डाल देते हैं। और प्याज को हम अच्छे से लाल होने देंगे। आज हमारे लाल हो गए हैं तो अब हम ये मसाला डाल देते हैं। और ये मसाला बनके तैयार है। मसाले में तेल छोड़ दिया है तो हम इसमें ये मटर डाल देते हैं। ये गोभी जो मैंने गर्म पानी से अच्छे से बॉईल कर ली थी ये गोभी डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। और 3 से 4 मिनट तक हम इसको इसी तरह से मीडियम आंच पर चलने देते हैं। और 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो अब हम जो छाछ में हमने बेसन घोल के रखा है ये हम डाल देंगे और इसको डालने के बाद हम लगातार इसे हिलाते रहेंगे। और गैस को हम फुल कर देंगे और इसको हम इस तरह लगातार चलाते रहेंगे।
इसको हम तब तक लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये बॉईल नहीं हो जाती है, क्योंकि छाछ फट जाती है अगर हम इसको छोड़ देंगे हिलाना, तो इसलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। लगातार चलाते हुए इसमें देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये बॉईल हो गई है। अब हम इसे छोड़ सकते हैं और गैस को हम मीडियम कर देंगे और इसे हम कम से कम 20 से 25 मिनट तक मीडियम गैस पर इसी तरह चलने देंगे, क्योंकि कहते हैं कि कम से कम कड्डी में 101 बार उबाला नहीं आए तब तक कड्डी स्वाद नहीं बनती है। तो हम इसे 20 से 25 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे। कड्डी को बॉईल होते हुए 15 मिनट हो गए हैं, उसे मैंने मीडियम आंच पर इसी तरह चलने दिया है। तो हम 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे इसको इसी तरह से। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस तरह से। गोभी और मटर भी अच्छे से सीज गए हैं, तो इसको हम इसी तरह से और बॉईल होने देते हैं 5 मिनट के लिए। कड्डी को बॉईल होते हुए आधा घंटा हो गया है और ये तैयार है। तो अब हम इस पे सर्व करने के लिए इसमें हम ऊपर से धनिया डाल देंगे, एकदम फ्रेश धनिया है, तो ये हम इस पे डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। धनिया की खुशबू से ये और भी टेस्टी बनती है। इसे आप चावल, चपाती, पराठा, मक्के या बाजरे की रोटी के साथ भी आप इसे खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अगर आपको ये कड्डी जो मैंने गोभी और मटर डाल के बनाई है अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा धाबाई, धन्यवाद।